100. समाजवादी पार्टी का ड्रामा जारी। हालांकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने कहा पार्टी में कोई मतभेद नहीं। शिवपाल भी थे मुलायम के साथ। कोई पार्टी के अंदर दबाव नहीं। भाई साहब तार मत खींचिए। मुलायम के दफ्तर से हटते ही नए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम वहां पहुंचे। अखिलेश के नेतृत्व में यूपी चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने 4.5 साल में इतने काम किए हैं कि समाज के सारे वर्ग उनसे प्रसन्न हैं। लखनऊ में पार्टी दफ्तर जाने के बाद दिल्ली रवाना हुए मुलायम सिंह यादव। शिवपाल यादव के भी दिल्ली आने की खबर। चुनाव चिन्ह विवाद में इलेक्शन कमीशन से कर सकते हैं संपर्क। कल राम गोपाल यादव ने चुनाव आयोग को 205 विधायक के समर्थन का हलफनामा सौंपा। 56 MLC और ज्यादातर सांसदों के समर्थन का भी दावा। अखिलेश के समर्थन में 74 जिलों से डेलीगेट्स के व्यक्तिगत हलफनामे आयोग पहुंचे। 1.5 लाख पन्नों को 7 कार्टन में भरकर चुनाव आयोग में कराया गया रिसीव। सुलह की कोशिश के तहत नगर विकास मंत्री आजम खान ने कल की मुलायम से मुलाकात। 3 घंटे की बैठक के बाद भी नहीं निकला रास्ता। मुलायम और अखिलेश के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर अटकी बात। अखिलेश चुनाव से पहले अध्यक्ष पद देने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव चुनाव के लिए तैयार। सूत्रों की माने तो पार्टी का घोषणा पत्र तैयार। 10 जनवरी के बाद कभी भी जारी कर सकते हैं घोषणा पत्र। मायावती ने जारी की यूपी विधानसभा चुनाव की चौथी लिस्ट। चौथी सूची में 101 उम्मीदवारों के नाम। बीएसपी की चौथी लिस्ट में 16 दलित उम्मीदवारों का भी नाम शामिल। मायावती ने अब तक 401 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। सिर्फ 2 नाम बाकी। एजेंट विवादित बोल पर मोदी के सांसद साक्षी महाराज पर मेरठ में दर्ज हुआ केस है। अयोध्या में विवादित ढांचा और जनसंख्या को लेकर मुस्लिमों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। महानगर पालिका चुनाव के लिए शिवसेना ने बीजेपी के सामने रखी शर्त। कहा गठबंधन होगा तो सभी निगमों के लिए ना कि कुछ चुनिंदा। प्रवासी भारतीय दिवस में पीएम ने काले धन का उठाया मुद्दा। कुछ लोगों को बताया काले धन का राजनीतिक पुजारी। ब्लैक मनी के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता के विरोधी दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक काले धन पर सरकार की नीतियों को प्रवासी भारतीयों से मिला समर्थन। चली योगी अनुभूति। सीरिया इराक में हुए संकट मोचन ऑपरेशन को पीएम ने सराहा। भारतीयों को मुसीबत से बाहर निकालने को लेकर सुषमा स्वराज की जमकर तारीफ की। गुजरात में आज से होगा वाइब्रेंट गुजरात समिट। 2017 के उद्घाटन सेरेमनी का आगाज। एयरफोर्स के विमान दिखाएंगे 40 मिनट का एयर शो। जल्द ही राजनीति में कदम रख सकती है जलता की भतीजी दीपा राजय कुमार। अम्मा की महत्वाकांक्षाएं पूरा करने का जताया इरादा। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में रैन बसेरे में घुसी कार। 4 लोगों की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के वक्त रैन बसेरे में सो रहे थे 80 मजदूर। कार में 5 लोग थे सवार। लोगों ने कार के ड्राइवर समेत 2 लड़कों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। हजरतगंज पुलिस ने कार हादसे में पकड़े गए दोनों आरोपियों के नशे में होने का किया दावा। हादसे में मारे गए सभी बहराइच के रहने वाले। ईशा के बालासोर में रेलवे स्टेशन पर सामने आया आरपीएफ का घिनौना चेहरा। दिव्यांग शख्स की पिटाई की। बालासोर रेलवे स्टेशन पर 3 आरपीएफ जवानों ने बर्बरता से दिव्यांग को पीटा। एक ने जड़े तमाचे, दूसरे ने मुंह में मारी लात। अलवर के रामगढ़ में एक दलित लड़की से 4 लड़कों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। एमएमएस बनाकर कई बार किया रेप। गर्भवती होने पर जबरन कराया गर्भपात। केस दर्ज। अलवर के चंदौली गांव में एक शादीशुदा शख्स ने शादी का झांसा देकर एक युवती से 5 सालों तक किया बलात्कार। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के सीहोर में डीजल से भरा टैंकर खड़े ट्रक में घुसा। हादसे के बाद सड़क पर बह गया 1000 लीटर डीजल। पटना पुलिस ने फतेहपुर इलाके में 32 लाख की अवैध शराब बरामद की। ट्रक से ले जाई जा रही थी खेप। ड्राइवर गिरफ्तार। श्रीलंकाई नौसेना ने फिर भारतीय मछुआरों को पकड़ा रामेश्वरम के पास। 10 मछुआरे श्रीलंकाई नौसेना की गिरफ्त में। दिल्ली के अंबेडकर नगर में बाइक सवार बदमाशों ने 2 दुकानदारों को गोली मारी। 1 दुकानदार की मौत, दूसरा जख्मी। पुणे पुलिस ने नवजात बच्चों को बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 गिरफ्तार। 1 नवजात को मुक्त कराया गया।
विजयवाड़ा में 60 करोड़ की काली कमाई करने वाले आईटीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के अफसर पर शिकंजा, लाखों के नए और पुराने नोटों के साथ करोड़ों के जेवरात जब्त। मुंबई के कांदिवली में स्कूल में 5 साल की बच्ची की उंगली कटी, स्कूल प्रशासन और टीचर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया। मथुरा जंक्शन पर आरपीएफ को 9 साल का बच्चा मिला, पुरानी दिल्ली का रहने वाला है बच्चा। सूरत में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता की पुलिसकर्मी से बदसलूकी, कैमरे में कैद, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आईडी धमाका, सीआरपीएफ के 2 जवान हुए जख्मी। पंजाब के फरीदकोट की मॉडर्न जेल के कैदियों ने अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, अफसरों पर रुपए मांगने का आरोप। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 4.5 करोड़ रुपए जब्त किए, सभी नोट नए थे। पश्चिम बंगाल के मालदा में गर्भवती महिला को पुलिस ने पीटा, वारंट लेकर पहुंची पुलिस को नहीं मिला आरोपी तो महिला पर जुल्म। गुड़गांव में कुछ बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, समय पर घर नहीं दिए जाने पर दर्ज हुआ मामला। भोपाल में मरीज के परिजनों ने जूनियर डॉक्टर्स पर लगाया पीटने का आरोप, डॉक्टर्स ने ठहराया परिजनों को दोषी। बिहार के खनन मंत्री मुनेश्वर चौधरी ने छपरा के डीएम पर लगाया आरोप, कहा अवैध खनन करने वालों को बचा रहे हैं जिलाधिकारी। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया, स्कूटर वजह से निकाला गाड़ियों का काफिला। ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियारों के साथ पकड़ा गया बदमाश। पश्चिम बंगाल के हुगली में संपत्ति की खातिर सौतेले माता पिता ने ली बेटे की जान, 3 लोग गिरफ्तार। सूरत में नकली पुलिस बनकर एक डिलीवरी बॉय से 3 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे। असम के बोगाई गांव में पुलिस की गिरफ्त में हथियार तस्कर, हथियार के साथ पकड़े गए 2 बदमाश। गुरदासपुर में घरेलू विवाद में दंपत्ति ने जहर खाकर की खुदकुशी, 1 साल की मासूम बच्ची को बनाया नाम। सोनीपत में नौकर से अवैध संबंधों के चलते बहू ने की सास की हत्या, आरोपी महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में जिला जज की आवाज पर तैनात सिपाही ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। हैदराबाद में फीस के लिए परेशान करने पर निजी स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं के छात्र ने की खुदकुशी, प्रिंसिपल गिरफ्तार। सिवान जेल में पुलिस का छापा, छापेमारी के दौरान 4 मोबाइल फोन, सिम कार्ड बरामद। झारखंड के खूंटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, छापेमारी के दौरान नक्सलियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद। झारखंड के कुठी में हार्डकोर नक्सली ने किया सरेंडर, पुलिस को सौंपे गई हथियार। रेप के मामले में आरोपी मेघालय के विधायक को पुलिस ने 5 दिन कस्टडी में भेजा, लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद 1 दिन की हुई थी गिरफ्तारी। झारखंड में एनटीपीसी की कई यूनिट पर मंडराया बंद होने का खतरा, हादसे के बाद से बंद पड़ा है कोयले का उत्पादन। गुजरात के वडोदरा में नवविवाहिता जोड़े ने अनोखे अंदाज में मनाया अपनी शादी का पहला दिन, फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंदों को बांटी सामग्री। जम्मू के उधमपुर में हुई बारिश से किसानों के चेहरे पर खिली मुस्कान, गेहूं की फसल के लिए अब नहीं करना होगा पानी का इंतजाम। शिमला में आज भी जमकर हुई बर्फबारी, बर्फ से ढके घर और वाहन। बर्फबारी से सफेद हो उठा समूचा शिमला, कड़ाके की ठंड में घर के भीतर अलाव के पास जुटे लोग। शिमला में कई जगहों पर बर्फ का बोझ नहीं सह सके दरख्त, बिजली के तारों पर बर्फ जमा होने से बिजली आपूर्ति में भी आई बाधा। शिमला में राहों पर जमा बर्फ की मोटी परत ने राहगीरों को रोका। रोहतांग और आसपास के इलाकों में भी 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी, खुश नजर आए सैलानी। टिहरी जिले के धनौल्टी में जमकर हुई बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे। उत्तराखंड के धनौल्टी, सुरकांडा, प्रतापनगर समेत तमाम इलाकों में जमकर गिरी बर्फ, कई जगहों पर राह में फंसे सैलानी। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में सुबह से राहों पर जमी दिखी बर्फ, 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा और हिमाचल प्रदेश के चंबा, किन्नौर में बर्फीले तूफान का अलर्ट, आज शाम 5 बजे तक तूफान की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में भी अगले 24 घंटे बारिश की संभावना।
आमिर खान की फिल्म दंगल ने बनाई कमाई के नए रिकॉर्ड, 15 दिन में की 320 करोड़ की कमाई। जल्द ही आमिर की ही फिल्म पीके का तोड़ सकती है रिकॉर्ड। सलमान खान की नई फिल्म टाइगर जिंदा है कि झलक आई सामने, निदेशक अली अब्बास जफर ने शूटिंग लोकेशन की तस्वीर की साझा, 5 साल बाद साथ देखेंगे सलमान और कैटरीना। प्रियंका चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस पर्पल पीपल ने अपनी नई फिल्म की घोषणा की, पौआ नाम के नेपाली सिक्किम फिल्म का करेगा निर्माण। सोशल मीडिया से जुड़ी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर इंस्टाग्राम पर बनाया अकाउंट, पति मोहसिन अख्तर मीर के साथ नए साल की बधाई देते हुए तस्वीर साझा की। हॉलीवुड स्टार जूड लॉ के भारत में होने की खबर पर लगी मोहर, गोवा में छुट्टियां मनाते दिखे, 28 दिसंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर आए थे नजर। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का बयान, 2020 तक खत्म हो जाएगा क्रेडिट डेबिट कार्ड और एटीएम मशीनों की जरूरत। स्नैपडील का 70% डिस्काउंट का ऑफर आज से होगा शुरू, कंपनी ने 8 और 9 तारीख को वेलकम 2017 नाम से सेल की शुरुआत की। पीएम की स्कीम मुद्रा लोन पर पड़ा नोटबंदी का असर, टारगेट से अभी 1 लाख करोड़ पीछे है बैंक। घाटे से जूझ रही सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया का सरकार पर 750 करोड़ रुपए बकाया, सरकार ने अब तक नहीं चुकाए वीआईपी यात्रियों के बिल। रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए वोडाफोन ने नया ऐलान किया, 16 रुपए में ग्राहकों को अनलिमिटेड 4G डेटा देगी कंपनी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनने के बाद विराट कोहली का बड़ा आत्मविश्वास, कहा T20 वनडे की कप्तानी के लिए बेहतरीन तरीके से हूं तैयार। वनडे T20 का कप्तान बनने के बाद कोहली ने की धोनी की तारीफ, कहा धोनी हमेशा रहेंगे मेरे कैप्टन। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को 21 संघों ने किया स्वीकार, बीसीसीआई को खत लिखकर किया सूचित। साथ रियाद में 2 खतरनाक आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, ऑपरेशन में 1 अधिकारी घायल, कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुके थे। भारी बर्फबारी की चपेट में अमेरिका के कई शहर, लगातार जारी बर्फबारी से 4 लोगों की मौत, 3200 से ज्यादा फ्लाइट रद्द। कई इलाकों में 8 इंच मोटी बर्फ की चादर जमी, जॉर्जिया और अल्बामा की 79 काउंटी में इमरजेंसी घोषित। जर्मनी के बवेरियन प्रांत में आइस स्विमिंग जर्मन ओपन की शुरुआत। तुर्की के इस्तांबुल शहर में जबरदस्त बर्फबारी, एयरपोर्ट पर जमी कई फीट मोटी बर्फ, थम गई शहर की रफ्तार। फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर हुए हमले पर राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जताया दुख, कहा 24 घंटे के भीतर पता लगा जाएगा कैसे हुआ हमला। सीरिया में हुए कार बम धमाके में 48 लोगों की मौत, तुर्की की सीमा के नजदीक सीरियाई शहर अजाज में हुआ धमाका। श्रीलंका में चीन के एक बंदरगाह और विशेष आर्थिक जोन बनाने का जबरदस्त विरोध, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। पाकिस्तान सेना के पूर्व प्रमुख जनरल राहिल शरीफ को आतंकवाद के खिलाफ 39 मुस्लिम देशों की गठबंधन सेना के बने प्रमुख। दिसंबर 2015 में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान सहित 30 से ज्यादा इस्लामी देशों ने सऊदी अरब के नेतृत्व में बनाया था सैन्य गठबंधन।